क्या होती उत्तरन। चलिए आप यहां से। बहुत गुस्से में थी। अब क्या होगा? मैं तो कितनी खुश थी कि इच्छा भी आई है और उसकी नई दोस्त भी कितनी अच्छी थी, पर वो उसको क्यों ले गई? क्या हालत बना रखी है। बेटी ने तो बिल्कुल जीना ही मुश्किल किया हुआ है। इतना ही पसंद है तुम्हारी बेटी को यहाँ खेलना, तो यही क्यों नहीं रहती तुम? हाँ, आज इसके चक्कर में हमारी तपस्या इस गंदी बस्ती में इन आम सड़क छाप बच्चों के बीच में खेल रही है, और हालत देखो इसकी, न पाँव में चप्पल है, कितना बुरा हाल बना रखा है। ए लड़की, दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो देखना फिर। माँ, आप इच्छा को क्यों डांटी है? हम ही लाए थे इच्छा को, और वो अपनी दोस्त कुकी से मिलाने लायक। चुप कीजिए, बहुत बदतमीज हो गई आप। दूसरों की नकल करते करते आपने भी बदतमीजी करना सीख लिया। घर चलिए, देखिए पापा आप कैसे नाराज होते। चलिए रामी रखे। तपस्या, इतना शांत लग रहा है। तपस्या, 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 तुम यहां क्या करी? माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सालों आपका नमक खाया, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बस ये आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। खड़ी हो जाओ। दिव्या कहाँ है? चिक्कू, तपस्या बेबी को ढूंढने गई है। बहुत तनी इच्छा के साथ शायद बस्ती में गई है। क्या जी? आज तपस्या बेबी किसी को भी बताए बिना घर से चली गई। शायद इच्छा उन्हें अपनी बस्ती में लेकर गई है। सब बहुत परेशान थे, माताजी और ठकुराइन वहीं गए हैं। ठीक है, तुम जाओ।
कहाँ गई थी आप? पापा, वो अब इच्छा की दोस्त को मिलने गए थे। हमने सोचा अगर हम किसी को भी बताएंगे तो सब हमें मना करेंगे। इसलिए बिना बताए किसी को आप चली गई। इतनी बड़ी हो गई हैं आप कि आप सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगी। ना आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, जो चाहिए दिया जाता है आपको, फिर आपने किसी को बताया क्यों नहीं? तपस्या, आज आपने अपने पापा को बहुत दुख पहुंचाया है। आपने ये नहीं सोचा कि जब आपके पापा को पता चलेगा कि बिना बताए आप चली गई हैं तो उनको कितना दुख पहुंचेगा? रहने दीजिए ना जोगी, बच्ची है, समझ जाएगी। नहीं मौसी, तपस्या की गलतियों पर पर्दा मत डालिए आप। तपस्या को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। सॉरी पापा, अब हम ऐसी गलती फिर दोबारा कभी नहीं करेंगे। करने लगी और उन्हें रास्ता पता था बस्ती का? रास्ता तो तुझे पता था ना? हाँ,